अगर मनुष्यता को संभाल के रखना है तो गाय संभाल के रखो। 30, 40 और 45, 50 साल पहले ब्राजील को पता लग गया, उरुग्वे को पता लग गया, अर्जेंटीना को पता लग गया, ऐसे कुछ 30-40 देशों को अचानक पता लग गया कि धरती अपनी बचा कर रखनी है, अपना देश बचा कर रखना है, तो चुपके से भारतीय गायों को ले आओ, हम जिंदा रहेंगे। ब्राजील में भारत की गाय है सारी, और दुर्भाग्य हमारा, अब हमारे यहां गाय वहां से आ रही है, वो ब्रीड वहां से आ रही है, वो नस्ल वहां से आ रही है, वो वंश वहां से आ रहा है। हम इतना भी नहीं कर सके, अपने गौओं को भी नहीं बचा के रख सके, ध्यान कहां है हमारा? हम गाय नहीं बचा सके, नदियों को, सरोवरों को, झील जलाशयों को, खेत खलियानों को, पदार्थों की इतनी भूख हमें, बड़ा बनने की, जड़ वस्तुओं के संग्रह की, उच्च पद प्रतिष्ठा की, बहुत चर्चित और अधिक लाभान्वित होने की, कौन सी भूख लिए बैठे हम? हमारा ध्यान कहां चला गया? लज्जा आती है मुझे, स्वामी जी हमसे प्राय प्रति निरंतर संपर्क में रहते हैं, हर बार ब्राजील से मंगवाई है गौ उन्होंने, यद्यपि अपनी गौशाला में भी प्राय हैं, हमारे पास तो गिर भी है, राठी भी है, थारपारकर भी है, कांकरेज भी है, साहिवाल भी है, अपनी गौशाला में सब गऊ हैं, लेकिन वो ब्राजील से लेकर आए हैं बुल। अब क्या करें हम? उरुग्वे, कभी इंटरनेट पर एक पुस्तक डालकर देखना, टू किल काओ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन, अभी डाल कर देखो, कई लोग तो खोल के ही रखते हैं बजर बट्टू, पता नहीं क्या हो जाए। टू किल काओ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन, अगर गाय मर गई तो मनुष्य मर जाएगा, मनुष्यता चली जाएगी, मानवीय सभ्यता चली जाएगी, इसी के द्वारा देवताओं को ध्याया जा सकता है। अरे बिना गाय के तो यज्ञ संपन्न नहीं होंगे, हमें तो बड़ी लज्जा आती है कि यज्ञ करने वाले लोग ये भूल गए, मैं भैंस के दूध घी से यज्ञ नहीं हो सकता। अभी तो ये बड़ा कठिन है जानना कि ये बोल क्या रहा है। कई लोग कहते हैं देसी घी की चीजें, देसी घी मैंने क्या, गाय की या भैंस की, कि ये नहीं पता देसी घी है। अरे देसी घी मैंने क्या, देसी घी मैंने देश का घी, हमारा भारतीय घी मैंने किसका, और उसके बिना यज्ञ नहीं हो सकता। स्वाहा, हम जब ऐसा बोलते हैं तो अग्नि का मुख खुलता है, और ये बिना गाय के घी के संभव नहीं है, वो रसायन है, वो औषधि है भाई। गौएं चराने निकल पड़े कृष्ण कि मेरी सबसे महंगी वस्तु कोई है तो गौ है, गौ है तो जीवन बचेगा, गौलोक है भाई वो, उसी से मनुष्य के प्राण, गौ से ही मनुष्य बना है, गौ से देवता बने, हमारा जो ओरिजिन है, हमारे डीएनए में गौ बैठी है, वो केवल एनिमल नहीं है, वो केवल पशु नहीं है,